हाँ जी, सो आज का जो चैप्टर है, दिस वन वी गोना कवर ब्रीफली दिस चैप्टर 26 एंड 27। लास्ट टाइम वी कवर्ड चैप्टर 25, दैट वाज अबाउट द ब्रश्ड परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स। इसके हमने इक्वेशन डिराइव किए एंड 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 वी रीच्ड इट सम मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द मोटर। तो जो उसका बेसिक डायनेमिक इक्वेशन था, इट वाज ऑफ अ सेकंड डिग्री, दिस वन, एंड इसको फिर हमने यूज किया। सो नाउ टुडे वी गोना ऐड गियर्स टू द मोटर। सो वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ द गियर्स ऑन द मोटर बिहेवियर। सो कोई भी मोटर आप गियर्स के बग़ैर यूज़ नहीं करेंगे। ज़ाहिर बात है, अगर आप मोटर गियर्स के बग़ैर यूज़ कर रहे हैं तो स्पीड उसकी ज़्यादा है और टॉर्क कम है। ऐसा कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें टॉर्क ज़्यादा मिले, स्पेशली रोबोटिक्स में, और बेशक हमें स्पीड उतनी ना मिले जितनी वो नो लोड स्पीड पे मोटर चलती है, तो हम गियर्स लगाएंगे। अब गियर्स लगाने से सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमने समझना है, और फिर किस किस्म के डिफरेंट गियर्स पॉसिबल हैं। तो बेसिक आइडिया जो है गियरिंग का, वी ऑलरेडी नो कि भाई लेट्स से वी टेक दीज गियर्स, गियर ए इज़ स्मॉल एंड हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ टीथ, एंड गियर बी इज़ बिगर एंड दे आर एंगेज्ड। सो the smaller one is the it takes the input, the shaft of the motor is connected to the smaller one, and the smaller one will rotate with exactly the same speed as the motor shaft. But this gear is then rotating the bigger gear. So this while doing so iski speed kam ho jayegi ए की, लेकिन आउटपुट पे जो आपका है जो बी गियर है वहाँ पे आपको ज़्यादा टॉर्क एम्प्लीफाइड मिलेगा। तो लेट्स से अगर गियर ए में 12 टीथ हैं, गियर ए में 12 टीथ हैं और बी में 18 हैं, तो इन दोनों का रेशो निकाल के जो भी निकलेगा उसको हम गियर रेशो कहेंगे। सो इट्स अ जी, कैपिटल जी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स 1.5 because 18 divided by 12 is 1.5. this is just an example value. normally gears can be ratio 10 bhi ho sakta hai, 100 bhi ho sakta hai, 100 se zyada bhi ho sakta hai, depending on aap torque ko kitna amplify karna chahte hain. theek hai, to basic principle ye hai ke hamare paas ek power input hai, mechanical power input to the system through gear a, aur मैकेनिकल पावर आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम थ्रू गियर बी। तो अगर हमने कोई लोड चलाना है तो वो बी के साथ हम कनेक्ट करेंगे, तो दे मस्ट बी इक्वल थियोरेटिकली, अगर लॉसेस नहीं है और एफिशिएंसी 100% गियर की एफिशिएंसी, ठीक है, बैकलैश भी नहीं है। बैकलैश कभी कभी ये होता है कि ये परफेक्टली नए गियर्स में ये टीथ परफेक्टली इंगेज होते हैं, दे डोंट बैकलैश। बैकलैश वो होता है कि एक गियर रोटेट और दूसरा स्लिपेज की वजह से, किसी वजह से वो रोटेट ना हो और आपके टक की आवाज़ आती है, तो आपको आउटपुट पे कुछ आउटपुट नहीं नज़र आता, हालांकि इनपुट पे इनपुट वाला गियर रोटेट हो रहा होता है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू नॉर्मली, स्पेशली इस किस्म के गियर्स में। उसका भी हल है, देन वी गो टूवर्ड्स हाई क्वालिटी गियर्स, डिफरेंट टाइप्स आर देयर। लेकिन फ़िलहाल इस एक्सप्रेशन को आप देखें कि अगर मेरे पास टॉ इन जो है वो है, आई विल मल्टीप्लाई दिस विद द ओमेगा इन, सो दिस इज माय इनपुट पावर। ओके, सो आई कॉल इस पी इन, एंड आउटपुट पे जो मुझे मिल रहा है वो है पी आउट इज टॉ आउट टाइम्स ओमेगा आउट। ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब अगर आप ये ले लें, यू टेक दिस इक्वेशन एंड यू मेक इट इक्वल टू
input power is equal to output power. Okay. So what I can do is I can write these as two ratios, and that will be tau in divided by tau out. This ratio will be the same as omega out over omega in, and I'll define this as a g. तो अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास g है 1.2, ठीक है, हमने वो 18 teeth on the B gears and 12 on the input A gear, तो उससे हमारे पास 1.2 आया. So what does that mean? That simply means that omega out is 1.2 times omega in. ठीक है, तो ओमेगा आउट को हमने डिवाइड किया 12 से. सो दैट मींस, अच्छा, नॉर्मली ये स्पीड इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, ये डिक्रीज होनी चाहिए. तो 1.2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो और भी ज़्यादा होगा. तो इस रेशो को हम अपोजिट लिख लेंगे, हम इसको 1/g डिफाइन कर लेंगे. ठीक है, एक ही बात है, मतलब जी इस ओमेगा इन डिवाइड बाई ओमेगा आउट. ठीक है, तो उस केस में फिर आपके पास आएगा ओमेगा आउट विल बी ओमेगा इन डिवाइडेड बाय 1.2. तो दैट मींस इसका मतलब ये होगा कि ओमेगा जो आपको स्पीड आउटपुट पे मिल रहा है दैट विल बी ऑफ कोर्स लेस देन जो आपको इनपुट पे मिल रहा है. लेकिन इसके बदले आपको क्या मिल रहा है ज़्यादा, तो अगर आप टॉ को देख लें, सो वी हैव जी जी अच्छा आपको नज़र नहीं आ रहा, सॉरी मैं लिख रहा हूँ लेकिन मैंने शायद वो विंडो शेयर नहीं की, सॉरी अबाउट दैट. ये आपने पहले कहना था लेकिन चलें, खैर. सो हियर इट इज़, बल्कि मैं एंटायर स्क्रीन ही शेयर कर दूँ तो मुझे फिर ये इशू नहीं आएगा दोबारा. ठीक है, सो हियर हाउ इट लुक्स लाइक नाउ. जी, तो शुरू में दिस इज़ द इनपुट पावर, दिस इज़ द टॉर्क. वी नो दैट पावर इज़ टॉर्क टाइम्स द एंगुलर स्पीड. Okay, torque times speed. Output power will be the T out that you are getting from this gear. Okay, so let's say so theoretically, whatever I'm giving at the input, the mechanical torque, it should be I should get it from the output if there are no losses. ठीक है, ideally ऐसा नहीं होगा, थोड़ी सी losses इधर होंगी, लेकिन let's assume कि भाई जो input पे हम दे रहे हैं कोई backlash नहीं है और हमें आउटपुट पे उतना ही मिल रहा है. ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को लेके आई रोट इट एज टॉ इन डिवाइडेड बाय टॉ आउट, उसको मैं इस लेफ्ट पे साइड पे ले आया, और ओमेगा आउट डिवाइडेड बाय ओमेगा इन, इस रेशियो को मैंने डिफाइन किया 1/g. ठीक है, इसका मतलब है जी हैज़ बीन डिफाइंड एज ओमेगा इन divided by omega out. ठीक है, और g ऐसे भी डिफाइंड है कि ठीक है इक्वल टू tau out divided by tau in. ये सेम होना चाहिए दोनों का रेशो, मतलब दोनों टॉर्स का और दोनों स्पीड्स की रेशो ये सेम होने चाहिए. ठीक है, तो फिर मैंने एग्जांपल लिया फॉर द गियर्स शोन हियर, जिसमें ए गियर्स में 12 टीथ हैं और बी गियर्स में 18 टीथ हैं. तो आई टुक अ गियर रेशियो ऑफ 1.2, सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई कैन से दैट ओमेगा आउट इज ओमेगा इन डिवाइड बाय जी. सो दैट मींस मैं एक नंबर को 1.2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो मुझे ओमेगा आउट मिलेगा वो इससे स्मॉलर होगा. आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेट्स से ओमेगा इन की स्पीड है 100
रेडियंस पर सेकंड, तो 100 को जब 1.2 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इवन लेस देन कितना होगा 80, ठीक है, तो यू विल गेट 80 रेडियंस पर सेकंड एट द आउटपुट. तो स्पीड आपको कम मिल रही है, लेकिन आपको ज़्यादा क्या मिल रहा है, टॉर्क. टॉर्क कैसे मिलेगा आपको, सो यू आर गेटिंग टॉ आउट is g times tau in, ठीक है, तो 1.2 times tau in. तो अब अगर आपको पहले इनपुट गियर पे टॉर्क जो मोटर प्रोड्यूस कर रहा है वो है 1 न्यूटन मीटर, लेट्स से, तो वो आपको 20 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है, 1.2 न्यूटन मिल रहा है आपको आउटपुट पे. तो वी गॉट एम्प्लीफिकेशन इन द टॉर्क एंड वी गॉट रिडक्शन इन, इसलिए गियर्स को स्पीड रिड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है. तो गियर्स जो हैं नॉर्मली स्पीड रिड्यूसर्स, क्योंकि आपने डीसी मोटर देखे होंगे, जब गियर्स नहीं है तो आप पंखे की मिसाल ले लें, वो बड़ी स्पीड से रोटेट होगा क्योंकि उसके आगे, पंखे के आगे कोई लोड ही नहीं है, सिर्फ विंग्स हैं. लेकिन हमारे केस में, रोबोटिक्स के केस में, मेकाट्रॉनिक्स के केस में, उसके आगे फिर हमने जो लोड लगाया है उसके लिए टॉर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्पीड तो हमें इतने ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं चलना जितने पे मोटर्स चलती हैं. तो दिस सेम इक्वेशन वाज शोन हियर, सो टॉ आउट इज़ द जी टाइम्स द इनपुट टॉर्क एंड दैट्स व्हाट द गेन यू आर गेटिंग इज. बास केसेस में आपके ये गियर्स होंगे कि लेट्स से यहाँ पे एक गियर है, उसके आगे फिर एक इस तरह कोई सिचुएशन बनती है, इफ़ आई कैन हैव वन गियर एंड देन आई कैन हैव अनदर गियर व्हिच इज़ बिगर एंड आई कैन हैव अनदर गियर व्हिच इज़ हियर, ठीक है. तो फिर मैं इन दोनों का रेशो लूँगा, लेट्स से दिस इज़ माय इनपुट गियर, दिस वन इज़ माय इनपुट एंड दिस वन इज़ द ऑक्सिलरी, ये मैटर नहीं करता, दिस इज़ वेयर आई टेक द आउटपुट फ्रॉम. तो उस केस में फिर मुझे जो रेशो देखना है वो इन दोनों का जो है, द नंबर ऑफ टीथ ऑन दिस गियर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टीथ ऑन दिस गियर, आई विल कॉल इट अ गियर रेशो 1:1 इन दो गियर्स के लिए. सिमिलरली जो इस साइड पे है, आई विल गेट अ रेशो g2. तो जो ओवरऑल रेशो है दैट विल बी जी विल बी जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, ठीक है. एंड सिमिलरली वी कैन हैव मोर गियर्स इन कंपोजिट, ठीक है. तो दैट इज अबाउट दिस पॉइंट हियर दैट यू सॉ दैट the total gear ratio will be the product of the individual gear ratios if there are more stages of gears, just like we have a two-stage gear system here, ठीक है. तो that is done. Then practical issues क्या आती हैं, normally जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ऐसा नहीं होता कि input पे आप जितनी motor आपको power दे रही है वो वही आपको output पे मिले, नहीं. इसका भी हम ratio लेते हैं, पी आउट डिवाइड बाई पी एन, and we define that as a efficiency, and this is normally less than 1 of course because of many different issues. So efficiency agar main define karun gears ki efficiency, so that will be eta and that will be power jo aapko output pe mil raha hai डिवाइड बाई पावर जो आप इनपुट पे दे रहे हैं, विच इज़ ऑलवेज लेस देन 1. तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 1 न्यूटन मीटर दे रहे हैं तो आइडियली आपको इधर 1.2 मीटर मिलने चाहिए. लेकिन अगर एफिशिएंसी गियर्स की 50% है, लेट्स से, तो 1.2 की जगह आपको इधर हाफ मिलेगा, जो इनपुट पे दे रहे हैं उसका हाफ, उसके एम्प्लीफाइड का हाफ मिलेगा. तो विच मीन्स वी आर हैविंग लॉसेस, ठीक है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम गियर्स नहीं लगाते, गियर्स के बगैर पॉसिबल नहीं है एप्लीकेशंस, ठीक है. सिंस द टीथ इनफोर्स द रेशियो जी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेलोसिटीज, ठीक है, द पावर लॉस मस्ट अपीयर एज ए डिक्रीज इन द अवेलेबल आउटपुट टॉर्क, ठीक है. तो वेलोसिटीज हमारा मेन कंसर्न नहीं है, हमें ये
नज़र आता है आउटपुट पे कि भाई जो आउटपुट पे हमें टॉर्क मिल रही है दिस वन, इस फॉर्मूले में हमने डालना है कि भाई इसको ईटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ईटा आपका लेट से 0.8 है तो फिर आपको आउटपुट पे एग्जांपल आप वैल्यू हमने 1 ली थी, 1 न्यूटन मीटर को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका 80%, तो मुझे लगता है आपको वही 1 ही मिल रहा है क्योंकि एफिशिएंट गियर्स नहीं है। ठीक है, तो गियर्स की एफिशिएंसी मैटर करती है। ठीक है, द टोटल एफिशिएंसी ऑफ अ मल्टी स्टेज गियर हेड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ईच स्टेज। अगेन ये जिस तरह हमने गियर हेड, दो गियर हेड रेशियोज को मल्टीप्लाई करके निकाला था, एफिशिएंसी भी ईच स्टेज की निकाल के सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बैकलैश क्या चीज़ है? इट्स अ वेरी सीरियस इशू। एनी वन, व्हाट इज बैकलैश? सर जब हम कोई मोटर स्टार्ट करते हैं और जब ऑफ करते हैं तो उसकी जो बैक, उसमें जो उसको रेजिस्ट करने के लिए जो वो करते हैं उसको बैकलैश कहते हैं। बैकलैश इज व्हेन द टीथ डू मिसिंग, लाइक आई मीन दे आर एंगेज्ड बट फॉर सम रीजन यू सी लाइक अभी इसको कैसे, दे डोंट एंगेज परफेक्टली। ठीक है, तो इसका हमें फिर नुकसान क्या होगा प्रैक्टिकली? वेल इट्स हैज बीन एक्सप्लेन हियर बट आई विल जस्ट पोस्ट द लिंक देयर एंड यू कैन लेटर ऑन सी। तो टीथ अगर प्रॉपर उनकी वो नहीं है एंगेजमेंट, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट, So this is it refers to the angle that the output shaft of a gearhead can rotate without the input shaft moving. अगर उनकी टीथ की एंगेजमेंट परफेक्ट नहीं है तो आप ऐसी सिचुएशन में जा सकते हैं कि इनपुट गियर तो रोटेट कर रहे हैं लेकिन आपको आउटपुट पे कुछ नहीं मिल रहा, आपको ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो पिच एक गियर ने लेफ्ट वाले ने टर्न ली लेकिन दैट द टीथ वॉज नॉट परफेक्टली इंगेज टू रोटेट द आउटपुट शाफ्ट। सो दिस इस वजह से हम इस बैकलैश फिनोमेना को हम नॉन लीनियर फिनोमेना कहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई कितनी इसमें टॉर्क हमसे लॉस होगी या कितनी जो है वो। तो सो नॉर्मली दीज आर सम गियर टाइप्स, नोटेबली हार्मोनिक ड्राइव्स, दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर नियर ज़ीरो बैकलैश। तो थियोरेटिकली तो हम ज़ीरो कहेंगे लेकिन नियर ज़ीरो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो हार्मोनिक ड्राइव जो होते हैं दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। ज़्यादातर जो मॉडर्न रोबोट्स हैं दे हैव दीज ड्राइव्स। ठीक है, एंड दे लुक लाइक दिस। ठीक है, सो द गुड थिंग अबाउट दीज इज यू गेट रोटेशन ऑन द सेम एक्सिस एज यू गिव द इनपुट ऑन। तो इसमें आपको उसमें तो फिर भी आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसकी एक एनिमेशन है, अगर इफ आई कैन प्ले इट, आई थिंक दिस वॉज द एनिमेशन, द ब्लू वन, दिस वन। Yeah, so this is how it is. Yeah. So now you'll take the ratio of the inner one with the number of teeth of the outer one. ठीक है, एंड ये इतने परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन किए गए थे कि भाई इनमें आपको बैकलैश जो है वो नियर ज़ीरो के करीब मिलता है। ठीक है, बैक ड्रिवेबिलिटी क्या चीज़ है? एनी वन, वट इज़ बैक ड्रिवेबिलिटी? आपने कभी गियर्स वाले मोटर देखे? yes, जो sir, जो वाइपर के मोटर्स हैं ये जो आपके फेवरेट मोटर्स हैं ना, ये इसको इसके शाफ्ट को पकड़ के आपने कभी रोटेट किया है हाथ से? Yes, sir. मुझे तो नहीं लगता सर किया। तो तोड़ा ही होगा आपने फिर उसको, मतलब नहीं सर, वो रोटेट नहीं करता। नहीं करता बिकॉज दे आर नॉट बैक ड्रिवेबल। ठीक है, लेकिन हमें रोबोटिक्स में एक फीचर चाहिए कि भाई ऑल दो गियर्स हैं सिस्टम में बट वी वांट इट टू बी बैक ड्रिवेबल, ताकि
इसको, और इसकी एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन है रोबोटिक्स में। कभी कभी आप रोबोट को हाथ से पकड़ के मूव करना सिखाएंगे ना। देखें ये टीचिंग रोबोट, टीच एंड प्ले रोबोट, लेट्स से टीच एंड प्ले रोबोट। इंडस्ट्री में आप रोबोट को इसी तरह मूवमेंट सिखाते हैं, तो इसको हाथ से पकड़ के आप ट्रेजेक्ट्री देते हैं कि भाई आपने एक चीज़ को उठाना है, उधर लेके जाना है, फिर उधर नीचे रखना है। अब ये इसलिए पॉसिबल है कि सारे मोटर बैक ड्राइव कर रहे हैं, वो रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब वो अंदर से उनको इनपुट पावर हम नहीं दे रहे इलेक्ट्रिक पावर, लेकिन हम मैकेनिकली पावर हाथ से दे रहे हैं सिस्टम को, और वो हम देखें इसको रिपीट कर रहे हैं उस मोशन को। दिस फीचर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन रोबोटिक्स, इसके बगैर आप रोबोट को टीच नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड टीच एंड प्ले, दिस ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस कॉल्ड टीच एंड प्ले। सो टीच एंड प्ले फीचर इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बैक ड्राइवेबिलिटी। सो व्हाट इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू ड्राइव द आउटपुट शाफ्ट ऑफ अ गियर हेड विद एन एक्सटर्नल डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल बाई हैंड, दैट इज़ टू बैक ड्राइव द गियरिंग। सो टिपिकली द मोटर एंड गियर हेड कम्बिनेशन इज लेस बैक ड्राइवेबल फॉर हायर गियर रेशोज ड्यू टू द हायर फ्रिक्शन इन द गियर हेड एंड द हायर ब्लेड। सो नॉर्मली नहीं होता, लेकिन अच्छे क्वालिटी के जो आपके मोटर्स हैं और गियर हेड्स हैं वो आपको मिलेंगे बैक ड्राइवेबल। तो ये टर्म आपको जानना ज़रूरी है, जब कल को आप मोटर लेंगे सेलेक्ट करेंगे तो ये एक अच्छी क्वालिटी है, ऑल्दो इट विल शूट अप द कॉस्ट, बट दिस इज़ व्हाट नॉर्मली कस्टमर्स एंड आवर एप्लीकेशंस दे डिमांड फॉर। लिमिट्स भी होंगे, ये नहीं कि थियोरेटिकली मुझे लेट से आप कहेंगे कि सर मोटर मैक्सिमम 1 न्यूटन मीटर दे रहा है, ठीक है, और क्यों ना मैं बजाय इसके कि मैं लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। एक बंदा है, उसने इनपुट जो है वो 1 न्यूटन मीटर लिया हुआ है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे आउटपुट पे मिलेंगे 1.2 न्यूटन मीटर। दूसरा कहता है कि 1.2 तो कुछ भी नहीं है, मैं गियर्स इतने ज़्यादा लगा लूँगा, इतने बड़े बड़े और जो भी करूँगा कि मैं ये 1.2 पहुँचा दूँगा 100 पे, तो मुझे आउटपुट पे मिलेंगे 100 न्यूटन मीटर। इसके अगेंस्ट दूसरा बंदा है, वो कहता है कि नहीं यार, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 50 न्यूटन मीटर का वो मोटर सेलेक्ट किया हुआ है और गियर रेशो जो मेरी है वो 2 है या 10 है, 2 तो बहुत कम हो गई, ये 10 न्यूटन मीटर है, दोनों केस में मुझे 100 मिल रहा है। मसला क्या है, मसला क्या है, इज़ इट पॉसिबल? मतलब ये बंदा खामखा 10 न्यूटन मीटर वाला ले रहा है। अभी आपके सीनियर को ये मसला आया, ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, इसने जो स्टेपर लिए थे वो 3 न्यूटन मीटर तक टॉर्क दे रहे थे, उसने लेके इंस्टॉल भी कर दिए, जब पता चला कि वो तो बिल्कुल जगह से हिला ही नहीं रहे सिस्टम को, एंड देन ही वेंट ऑन टू ब्रिंग नए हाइब्रिड मोटर लिए उसने, 12 न्यूटन मीटर ही इज़ गेटिंग विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। क्यों गया वो लेने, वो गियर्स ही ज़्यादा लगा लेता, ज़्यादा गियर रेशो वाले, एनीवन? विच सॉल्यूशन वुड यू गो फॉर, फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड वन सर, सेकंड। व्हाई, व्हाई वुड यू गो फॉर सेकंड? जो गियर में जो दोस्तों होंगे सर, उसमें प्रॉब्लम आएगी सर, उसकी वजह। थियोरेटिकली हर गियर हेड की लिमिटेशन होती है कि वो आपको मैक्सिमम कितना दे सकता है, ठीक है? तो जब आप गियर हेड अलग से लेंगे तो यू हैव टू लुक फॉर द लिमिट। अगर गियर हेड का लिमिट 10 है तो फिर आप ये वैल्यू 100 तक नहीं लेके जा सकते। आप 1.2 से मैक्सिमम ले आए, उसको 10 पे सेट किया, बस उससे ज़्यादा उसकी थियोरेटिकल लिमिट। तो ये नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है, देर आर ऑलवेज लिमिट्स विच यू हैव टू रिस्पेक्ट, इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी, ठीक है? So that is that. Any question so far? No sir. Good. Next, जो examples हैं उसमें आपको मुख्तलिफ गियर हेड दिखाए हुए, किसी कोर्स में आपने गियर हेड्स पढ़े हुए हैं
मतलब गियर्स किस कोर्स में, आपने थ्योरी ऑफ मशीन है कि क्या, कौन सा कोर्स? यस सर तो ये पढ़ी है। गियर्स आपको मेरे से ज़्यादा समझ आनी चाहिए, मैं इस पे टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता। मुख्तलिफ किस्म के मल्टी स्टेज पर गियर हेड, प्लानिटरी गियर हेड, बेवल, इसके अलावा जी वॉर्म, इसके अलावा हार्मोनिक ड्राइव, बॉल स्क्रूज, रेक एंड पिनियन। तो ये इसकी थोड़ी थोड़ी सी बातें लिखी गई हैं। आई एम गोना स्किप दिस सेक्शन बिकॉज आई एम नॉट गोना कवर दीज इन डिटेल। सो फिलहाल हमारा काम मल्टी स्टेज पर गियर हेड से चल रहा है। इसके इसका जो गियर रेशो हमने निकालना है, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल गियर रेशोज एंड दैट्स इट। ठीक है, बट अल्टीमेटली जो भी गियर हेड आप यूज़ करें, ओनली थिंग मैटर्स फॉर अस इज़ द गियर रेशो। ठीक है, वो उसके डेटा शीट से रीड कर लें, ड्राइव कर लें। तो जितने भी आपको गियर रेशोज़ नज़र आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो आपको दे रहे हैं, ये सबसे कम दे रहे हैं, 2 और 3। और अगर हार्मोनिक को देखें तो 50 और 100 दे रहे हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट। इससे ज़्यादा नॉर्मली आपके प्रोजेक्ट्स में यही लगते हैं पर गियर हेड, बल्कि ये अक्सर मोटर के साथ बिल्ट इन आते हैं। तो इफ़ यू लुक एट दीज मोटर्स, डीसी मोटर, 12 वोल्ट डीसी मोटर्स गियर हेड, सो इफ़ यू लुक इनसाइड यू विल सी समथिंग लाइक इसमें है। अब इसको खोल के कौन बताएगा? देर मस्ट बी, सो द एक्स्ट्रा हेड दैट यू सी हेयर, दैट्स अ गियर हेड। ये सब में है, ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर द गियर हेड्स। बट इफ समबडी, या दिस वन हैज़ एज एन एक्सप्लोडेड व्यू, सो यू कैन क्लियरली सी द गियर्स इनसाइड। ओके, सो प्लेनेटरी टाइप गियर हेड इज़ इनसाइड। सो दीज टाइप ऑफ मोटर्स मेरे पास जो पड़ा हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ कि आप इस पर काम करें, दे हैव, सो दे गिव यू वेरी हाई टॉर्क, दे गिव यू वेरी हाई टॉर्क। और प्रोजेक्ट भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग हॉबी मोटर पे ना करें, इट शुड बी अ गियर हेड, अ मोटर विद अ गियर हेड जिसकी अच्छी खासी रेशो कम अज़ कम 10 तक हो, तो यू विल देन फील यू विल बी एबल टू हैव अ गुड लोड, टू ड्राइव अ गुड लोड। बहरहाल गियर हेड का स्पीड टॉर्क कर्व पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो लेट्स से दिस वॉज द ओरिजिनल स्पीड टॉर्क कर्व विच लास्ट टाइम वी स्टडीड दैट वी हैव एन ऑपरेटिंग रीजन। ठीक है, वो इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। फिलहाल लेट्स से गियर रेशो हमने 2 यूज़ किया, तो विद एफिशिएंसी 75% दिस अपर वन, और दूसरे की एफिशिएंसी 100 100 है। तो ये वाला आपको ज़्यादा टॉर्क दे रहा है, वो 75% वाला आपको कम टॉर्क दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको एफिशिएंसी नहीं पता, अभी आपने नहीं ली और उसकी 100 है और फ्यूचर में आपको डर है कि वो 75% तक एफिशिएंसी गिर सकती है, तो आप एहतियातन उसको दोनों गियर हेड के ऑपरेटिंग रीजन का कॉमन लेके उधर ही चलाएं, इधर चलाएं। तो अगर वो 75% भी चल रहा है, सिस्टम हमने डिज़ाइन किया, हमने अस्यूम किया 100% होगी, लेकिन द वेरी रीजनेबल इज 75%, तो यू विल गेट दिस। ये पहले ओरिजिनल मोटर के लिए दिस वॉज नॉट इवन एन ऑपरेटिंग पॉइंट, ये अब ऑपरेटिंग पॉइंट है, क्योंकि हमने टॉर्क के रेंज को, आउटपुट टॉर्क के रेंज को बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ द गियर हेड। तो ये जहन में रहे। ठीक है, अच्छा, अब इनर्शिया क्या चीज़ है? लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि एवरी रोटेटिंग मास हैज़ एन इनर्शिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमारे शाफ्ट जो थे मोटर के, उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं था। हमने उसको स्टडी किया, हमने उसका मॉडल ड्राइव किया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके मोटर के शाफ्ट पे कुछ भी नहीं कनेक्टेड, कभी कोई ना कोई लोड हम लगाएंगे। तो लोड के डिफरेंट किस्में हैं। सिंपलेस्ट लोड आपका ये है कि उसके आगे व्हील चला दें मोबाइल रोबोट में, या लेट्स एक लिंक है, किसी ने भी खैर से कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो लेट्स नॉर्मली वी कॉल इट लिंक। इनका भी लोड बिल्कुल, ये छोटा सा एक पीस है, इसका इतना ख़ास इनर्शिया नहीं होता बिकॉज नॉर्मली प्लास्टिक का बना होता है,
बट आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी हेवी, ये देखो, सो सो इफ़ यू हैव अ दिस मोटर हियर देन इट हैज़ टू रोटेट दिस एंटायर रोबोटिक आर्म, इस तरह एक मोटर इधर है, इट हैज़ टू रोटेट दिस एंटायर रोबोटिक आर्म, तो ये इसके लिए सारे का सारा लोड है इस मोटर के लिए, जॉइंट वन के लिए। जॉइंट टू के लिए ये लिंक वन और लिंक टू लोड है, जॉइंट थ्री के लिए लिंक टू लोड है, एंड जॉइंट फाइव के लिए आगे लोड है। इट्स अ सीरियल मैनिपुलेटर, ये रोबोटिक आर्म है। हम कोई सिंपलर लोड देखते हैं जिस जो एक ही रोबोट के ऊपर प्रोजेक्ट में आपको दिया था, नहीं प्रोजेक्ट नहीं, असाइनमेंट्स। तो इन्होंने बड़ा सिंपल इधर लोड कनेक्ट किया हुआ है, दिस वन इट्स आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसकी इनर्शिया कैसे मेजर करेंगे एनीवन? मुझे लगता है दो पीस हैं कि एक है कि नहीं शाफ्ट, ये बाकी पता नहीं है क्या है, कोई फॉर्म है कि क्या पीछे, बल्कि वो रोटेट नहीं हो रहा, रोटेट सिर्फ ये हो रहा है। तो हमें सिर्फ इसका इनर्शिया चाहिए, इस लिंक का, या लोड कहें लिंक कहें, ये रोटेट ही नहीं कर रहा यार, ये इधर कर्व आ गया और उधर उसने रोटेट नहीं किया। अच्छा ठीक, अभी देखें। अब मुझे कोई इसका इनर्शिया फाइंड करके दे। लेट्स से वी हैव दिस बार और इसके इनर्शिया जो है वो मुझे चाहिए, तो इनर्शिया के लिए एक्सेस ऑफ रोटेशन आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपके लेट्स से एक्सेस ऑफ रोटेशन बिल्कुल इसके सेंटर में है, ये, और इसका आउटलाइन मैं गायब कर दूं, नो फिल कर दूं, शेप फिल नो फिल, आप बताएं जी इसका इनर्शिया क्या है? अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं और अगर इसी लिंक के शाफ्ट को मैं इधर कनेक्ट करूं और इसकी लेंथ मैं आपको बताऊं जी कि लेट्स से द लेंथ इज 5 मीटर, थोड़ा सा कम कर लेते हैं 1 मीटर, क्योंकि ये इनका कितना होगा, ये तो 1 मीटर भी नहीं है, इट्स मे बी हाफ 0.25, बहरहाल जो भी है। तो इधर इसका जो है जो सेंटर ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन है, वो लेट्स से यहाँ से 0.75 पे, और इसका मतलब है जो आपका शाफ्ट हम जिधर कनेक्ट करेंगे बिल्कुल मिडल पे, तो दैट्स वे दिस इज एट 0.5। अब इसका जो इनर्शिया है आई वन, ये क्या होगा, मैं आपको मास दे देता हूँ, सॉरी दोनों का मास सेम है, इसका मास है 1 kg, लेकिन दोनों की ज्योमेट्री डिफरेंट है, और इस साइड की भी आपको मैं लेंथ दे देता हूँ, लेट्स से दैट वन इज 0.01, मतलब 1 सेंटीमीटर है, 0.2 कर दें, 0.02 मीटर, 2 सेंटीमीटर। अब इसका इनर्शिया क्या होगा जो बताएगा, उसके लिए दो नंबर हैं, दो तो ज़्यादा है, खैर एक नंबर कर दें, लास्ट पार्टिसिपेशन भी कोई चीज़ होती है ना। बताएं दोनों के इनर्शिया क्या है जी, इतना बता दें कि किसको रोटेट करने में टॉर्क ज़्यादा चाहिए। शाफ्ट इज कनेक्टेड थ्रू हियर, मतलब सर दूसरे वाले को टॉर्क, सेकंड वाले को, लेकिन अब आप सेकंड वाला सर इंजीनियर्स हैं, मुझे यूनिट चाहिए, इसके इनर्शिया क्या है, इसके इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया के लिए आपको नॉर्मली ये डायनेमिक्स की जो बुक है, क्या नाम है उसका, हीबलर है क्या है, उसमें
ये आर टेबल सी है, हेबलर, यस। हाँ उसमें ये टेबल आपको याद होंगे। तो लेट्स से वी हैव वी आर रोटेशन अबाउट दिस इन द मिडल, तो इसका फार्मूला क्या है, हा 1/12 एम एल स्क्वेयर्ड, ठीक है। सो इट्स लाइक इसकी थिकनेस क्यों मैटर नहीं कर रहे, ठीक है। आई थिंक थिकनेस से कोई इनर्शिया पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स से दिस इज़ हाफ एम 1/12 एम एल स्क्वेयर, 1/12 एम एल स्क्वेयर, तो उससे हमारे पास आ जाएगा जी एल जो है इसका 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वेयर। तो इससे जो हमारे पास इनर्शा आया वो है 1/12, और इसका इसका जी यूनिट क्या होगा, एनीवन, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस, के जी मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, kgm स्क्वायर। दूसरे का क्या होगा, इस दूसरे का I2। तो अगर टेबल में आपको तैयार मिलते हैं तो ठीक है, ये तो बिल्कुल इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन ला रहे हैं, हम एंड तक नहीं लेके जा रहे हैं, हमने उसको बिल्कुल बीच में रखा है। तो इसमें आपको एक फार्मूला चाहिए, दैट्स कॉल्ड द, किसी ने भी उस पॉइंट पे नहीं रखा, बट देर इज़ अ फार्मूला कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम इनर्शिया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम 1/3 mm² सर। वो टेबल में नज़र आया आपको, नहीं 1/3 में एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है, ये देखें एंड पे। तो ये ऐसा है जैसे अगर मैं आपको मोटर शाफ्ट दिखा सकूं, लेट्स से ये शाफ्ट है, तो ये पहले केस में ये मैं उसको साइड से देखूंगा ना, तो थोड़ा सा थिक कर ले, थिन कर लेते हैं, ये सीन है, और ये है मोटर शाफ्ट, दिस वन इज कमिंग फ्रॉम मोटर, ये बिल्कुल बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन वो दूसरे के केस में अब आप इसको यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी स्प्रेड ऑफ, याद रखें लास्ट लेक्चर में आपको कहा था, ये अभी रिप्लेस करते हैं, ये ठीक नहीं है कि भाई अगर आपकी स्प्रेड यूनिफॉर्म नहीं है, और अवे द मोर अवे यू गेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द मोर यू द हायर द लार्जर द इनर्शिया इज, इट मीन द लार्जर इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू गिव इट अ सर्टन एक्सेलरेशन। लेट्स से अगर आपने इसको भी 1 rad/s एक्सेलरेट करना, और इसको भी, तो इसके लिए अगर लेट्स से 1 Nm टॉर्क चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन वो ज़्यादा हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि टॉर्क टॉर्क और इनर्शिया में क्या रिलेशनशिप है, एनीवन, डायरेक्ट रिलेशन है सर। फॉर्मूला बता दो, ये याद है, हाँ यस सर, ये लीनियर मोशन के लिए, हाँ तो एंगुलर मोशन के लिए एफ की जगह क्या हो जाएगा, एफ की जगह टॉर्क हो जाएगा, कम टॉर्क ऑन हो यार, जाएगा सर, मैकेट्रॉनिक्स है। एम की जगह क्या हो जाएगा, आई आई होगा, इनर्शिया, गुड, आई हो जाएगा सर। और ये, और ए की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा सर। अल्फा, वेरी गुड। तो ये है हमारे पास सीन। तो अब अगर इसको मैंने रोटेट किया था और इसके इनर्शिया लेट्स से मुझे सेम चाहिए इनर्शिया, इस केस में अल्फा मेरा सेम है लेकिन इसके इनर्शिया डिफरेंट है, तो
तो उसके लिए टॉर्क डिफरेंट चाहिए होगा। तो लेट्स से यहाँ पे मोटर को टॉ वन चाहिए था, अब दूसरे के केस में इसको वही एक्सेलरेशन देने के लिए, क्योंकि इसका इनर्शिया डिफरेंट है तो टॉर्क। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि दूसरे केस में आई टू आई वन से लार्जर है बिकॉज ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ डिफरेंट, तो अब आप बताएं टॉर्क पे क्या असर पड़ेगा, विच टॉर्क विल बी मोर देन विच। ऑफ कोर्स टॉर्क जो सेकंड केस में है वो पहले की नस्बत ज्यादा है कि नहीं? हेलो, यस सर, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अब मुझे चाहिए इसका इनर्शिया, ये इसलिए कर रहा हूँ, लैब में आप यही करेंगे, अपने नॉन इनर्शिया के मोटर के ऊपर शाफ्ट के ऊपर लगाएंगे लोड और मुझे बताएंगे कि मोटर कितनी टॉर्क दे रहा है और ज़्यादा क्यों दे रहा है। ठीक है, ओके सर। अब ये मेजर करें यार, इसका फार्मूला है, अब ये मैं किन चीज़ों में पढ़ गया, मैं डायनेमिक्स में पढ़ गया, ये आप मुझे बताएंगे कि अगर एक्सिस से हम 75 मीटर इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, ये कहता है कि अगर आपका इनर्शिया मिडल में ICM था, ICM, तो नया जो इनर्शिया आपका होगा वो एम डी स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर कौन सा होगा, ये वो जो एक मिनट अच्छे विच वन इज़ मोर सिमिलर टू आवर्स, आई थिंक दिस वन इज़ मोर सिमिलर टू आवर्स। तो अगर इसका 1/12 ml स्क्वायर्ड है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि भाई ये जो इसका इनर्शिया फाइंड किया था I1, उसमें एक्स्ट्रा एड करेंगे एक टर्म, डेफिनेटली मैंने आपको कहा I2 इज़ लार्ज, ठीक है, तो जो बीच में डिफरेंस आया है ना L/4, दैट विल बी योर D। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ I2 इज़ I1 प्लस M D, ये M इसकी मास है, ठीक है, और D, अब आप बताएं जी D कितना है, I1 किधर मेजर किया, 1/12 प्लस मास इज 1 टाइम्स D स्क्वायर, D क्या है चाबा, कौन बताएगा, 0.02 ये देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो नया एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वहां तक डिस्टेंस कितना है, 0.25, वेरी गुड सर, मिडल हम ऊपर गए ना इतना, तो इसका जो आपके इनर्शिया आएगा वो है बस उसमें इतने ही ऐड कर दें, तो जो जो 1/12 था उससे क्या आता है, 1/12 प्लस 0.25, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, तो इट्स 0.33, ठीक है, 0.33 ये था 1/12, 1/12 इट वाज 0.08। नाउ यू जस्ट सी के जस्ट चेंजिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बाय जस्ट चेंजिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन वी गॉट एन इंक्रीज इन द इनर्शिया, सारी बात है वो स्प्रेड अब बिल्कुल डिफरेंट है पिछली की नस्बत, ठीक है। ये थोड़ा आपको तकलीफ़ करनी होगी, ये टेबल आपको वैसे नहीं गिवन, ये वाले कल को आपका लोड ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी तरह ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर हो, क्यूबिक हो, लोड कुड बी दिस वन, लोड कुड बी दिस वन, लोड फिर आपको कोई कह सकता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मिडल में, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैं आपको इधर इसका साइड पे कर दूं तो उससे भी इसका इनर्शिया बढ़ेगा कि कम होगा, डेफिनेटली बढ़ेगा,
क्योंकि एक साइड पे उसका स्प्रेड ज़्यादा। बहरहाल खैर लेट्स सम इट अप, ये मैं अब बड़ा दूर निकल गया, बल्कि दूर नहीं, यू नीड इट दीज फार्मूलाज, ठीक है। बस सिर्फ इतना सा हिंट देता हूँ कि रोबोटिक आर्म में ज़्यादातर हम डील करते हैं कि हमारे इनर्शिया जो हैं वो सिलेंड्रिकल रॉड टाइप हैं, मैं डिपेंड नहीं करता, मतलब डिपेंड करते हैं रोबोट विद सिलेंड्रिकल आर्म लिंक्स, सिलेंड्रिकल लिंक्स। तो ये देखें, ये सिलेंडर है तो इसका अलग इनर्शिया होगा, ये वही शेप है जो अभी हमने स्टडी किया हुआ है, इसका अपना इनर्शिया होगा, जिस जिस मोटर के आगे लोड रखा हुआ है उसके इनर्शिया आपने मेजर करना है। तो पहले वाले जॉइंट के लिए ये दोनों इनर्शियाज काउंट करते हैं, लेकिन दूसरे जॉइंट के लिए जैसे लीनियर वन। तो फिलहाल मैं इन रोबोट की ज्योमेट्रीज में नहीं जाता, मैंने सिर्फ आपको एक क्विक रिफ्रेशर दे दिया कि भाई वाई इनर्शिया में ये मैटर। सो दिस वॉज द इनर्शिया ऑफ द लिंक जो कि आप बाहर कनेक्ट करते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि भाई जो हम इधर आई इनर्शिया डिस्कस कर रहे हैं ये लोड इनर्शिया है, लेकिन अगर आपको याद हो डीसी मोटर तो अपने अंदर बहुत कुछ रोटेट कर रहे हैं, उसका जो रोटर है उसका अच्छा खासा इनर्शिया है, और अगर उस इनर्शिया को हम इग्नोर करेंगे तो बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि अगर जितना जितना आप मोटर जितनी उसका साइज़ ज़्यादा है उतने ही उसका जो रोटर का इनर्शिया है वो ज़्यादा है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट नॉर्मली करते हैं कि भाई ये एक डिस्क के अंदर जिसका इनर्शिया जे है, जे इज़ द इनर्शिया ऑफ द मोटर, ठीक है। इसकी फ्रिक्शन में नहीं इग्नोर कर सकते, ये मुसलसल रोटेशन में, तो वो जो अंदर का मोटर का बगैर बाहर कुछ कनेक्ट किए हुए, देखें ये डायग्राम अब आपको सही दिखा रहा है, इसका इनर्शिया अंदर है, दैट वी कॉल द इनर्शिया ऑफ द एक्चुएटर, जिसके अंदर बिल्कुल एक सिलेंडर रोटेट हो रहा है रोटर, ये वो बाहर का है जिसको मैं लोड इनर्शिया कहूँ तो बेस्ट होगा। या अच्छा, बाज़ किताबों में इनर्शिया को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज़ में आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जे से इस वजह से रिप्रेजेंट करते हैं कि बाज़ औकात आई हम करंट के लिए भी यूज़ करते हैं ना, बल्कि बाज़ औकात क्या इसी मॉडल में हमने आई को करंट के लिए यूज़ किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, तो फिर वो कंफ्यूजिंग होता है कि भाई कौन सा आई इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा करंट को, तो इस वजह से किताबों में फिर जे यूज़ होता है ज़्यादातर, लेकिन यू नो दैट। तो अभी हम जो किताब में देख रहे हैं दिस इज़ द मोटर इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ द मोटर, क्योंकि दिस डिज़ाइन दिस थ्री लेक्चर्स आर अबाउट द टू लेक्चर्स आर अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द मोटर, तो जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा वो किसी वजह से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज रोटर मोटर जब आपको शाफ्ट पे टॉर्क दे रहे है तो उससे ऑलरेडी कुछ टॉर्क लॉस किया है अपने इनर्शिया को ओवरकम करने में, तो वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है जो इंटरनल इनर्शिया है। हम चाहते हैं कि भाई आपका अपना इनर्शिया कम, ये ऐसे ही है जैसे आप मुझे कहें कि सर आपने वज़न पिक करना है 100 kg, मैं कहूँगा यार मैं खुद 70 kg हूँ, आप मुझसे 100 kg क्यों उठा रहे, मैं तो चलूँगा तो अपना भी वज़न लेके कैरी करूँगा। लेट्स पॉज दिस, फिर अजान ख़त्म हो जाए तो करते हैं।